नाउ टुडे वी विल डिस्कस क्यू बेसिक प्रोग्राम एलिमेंट्स। तो क्यू बेसिक में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं टू क्रिएट प्रोग्राम, टू राइट प्रोग्राम, फर्स्ट है कैरेक्टर सेट। इसमें क्या होता है कि ये इट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इसमें जैसे कि लेटर्स आएंगे, डिजिट आएंगे, पंक्चुएशन और एनी अदर साइन इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी लैंग्वेज। जो भी कोई भी साइन जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है उस तरह के वो मतलब इसमें लिए जाते हैं। जैसे कि देखो सेट ऑफ अल्फा, सेट ऑफ जो अल्फ़ाबेट हैं वो ए बी सी, कैरेक्टर डिजिट 0, 1, 2, 3, इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर, प्लस माइनस, इस तरह से। कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म वो टर्म होती है जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और रन टाइम। ओके, अ कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज इन वैल्यू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, दो टाइप्स के इसमें देखो, एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, एक पूरा एक मतलब डबल कोटेशन में दी जाती है वैल्यू, और उसका क्या होता है, जैसे कि ये देखो ये वाली, ये ना डबल कोटेशन में दी जाती है और एक स्ट्रिंग होती है ये, तो ये और ये ऊपर वाले ये हैं, ये न्यूमेरिक्स हैं जो नंबर्स के अंदर है, और ये स्ट्रिंग्स के अंदर है। जैसे कि जयपुर है, जयपुर के मतलब जयपुरी है, फिक्स्ड डेज का मतलब कि जयपुर है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि जयपुर हो गया, तिलक नगर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, जो डबल कोटेशन में वैलिड कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहलाती है। थर्ड होता है वेरिएबल, वेरिएबल आर डेटा और आइटम्स नेम विच आर स्टोर्ड इन स्टोर्ड डेटा वैल्यूज इन मेमोरी। मेमोरी वेरिएबल्स वैल्यू मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इन क्यू बेसिक वेरिएबल आर द फॉलोइंग टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो वो इसमें भी देखो न्यूमेरिक वैल्यू जैसे एज का है 16, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 23 पॉइंट, तो इस तरह से। अच्छा जी, ये जो डेटा टाइप्स होता है, ये डेटा टाइप्स है इंटीजर, ये न्यूमेरिक वैल्यूज को ये डिफाइन करता है। तो इंटीजर में लॉन्ग इंटीजर, सिंगल प्रिसीशन एंड डबल प्रिसीशन। इंटीजर्स, इंटीजर जो अपने इंटीजर्स नंबर होते हैं उसी तरह से होता है। जैसे कि एन मार्क्स है, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन और मार्क्स क्या हुआ हमने कि ये हमारे दो डेटा टाइप डिक्लेयर करें। फिर एन इज इक्वल टू परसेंटेज, ये जो हम प्रोग्राम करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से हमारे को समझ में आएगा। इस तरह से जब ज़्यादा वैल्यू होती है, जब वो नॉर्मल वैल्यू से एक्सेस होती है, तो उसमें लॉन्ग इंटीजर यूज़ करते हैं। सिंगल प्रिसीशन के अंदर देख सकते हैं आप, इसमें अ नंबर विद डेसिमल स्टोर इन सिंगल प्रिसीशन वेरिएबल। इसके अंदर एक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है यूज टू शो द सिंगल प्रिसीशन, है ना। और डबल के अंदर क्या करते हैं, हम प्री प्रोसेसर यूज़ करते हैं, यानी हैश का साइन यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें जो रूल्स हैं फॉर राइटिंग, इसमें क्या है, ऑल द वेरिएबल्स नेम मस्ट बी स्टार्ट लेटर ऑफ एन ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट अल्फाबेट यू कैन राइट अल्फ़ाबेट और नंबर्स पहले, इसके बाद हम जैसे कि देखो ए अल्फ़ाबेट है, उसके बाद नंबर लिख लिया हमने, जैसे कि ए बी सी सम 2 कर लिया इस तरह। दिस शुड नॉट कंटेन स्पेस स्पेशल सिम्बल्स इन, जब ये जो डेटा हम जो डिक्लेयर करते हैं ना, ये जैसे सम है, तो इस सम के अंदर बीच में क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ये है इसका मतलब, इट डज नॉट, इट शुड नॉट कंटेन स्पेस ऑन एनी स्पेशल सिम्बल लाइक एट द रेट, हैश, इस टाइप से। द लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40-40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये A1 है, यानी 2 कैरेक्टर्स, ए बी सी 3 कैरेक्टर्स, सम 2 4 कैरेक्टर्स होगा, इस तरह से। ठीक है, तो और वेरिएबल शुड नॉट कमांड और रिजर्व इनपुट, मतलब हम जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड एक्चुअली क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू मीनिंग आर फिक्स इन योर लैंग्वेज, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज जो तुम पढ़ रहे हो या जो प्रोग्राम राइट कर रहे हो उसके अंदर क्या होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। वो कभी भी अगर आपने वो प्रोग्राम को यूज़ करा होना तो वो या तो गार्बेज वैल्यू देगा, मतलब प्रोग्राम खुद से कोई वैल्यू देगा, या फिर वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ हैं, एक है ना क्यू बेसिक कमांड्स, जो कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स ये वो हैं जो कि हम अगर ये प्रोग्राम में हम लिखते हैं, व्हेन वी राइट प्रोग्राम आ प्रोग्राम एंड व्हेन वी यूज़ दिस कमांड्स एंड इट गिव्स अ स्पेशली मीनिंग, ओके, एक वैल्यूएबल मीनिंग देगा ये। जैसे CLS स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट यूज टू बी क्लियर, आउटपुट स्क्रीन को क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे जब आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से समझाएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। कोमा, प्रिंट करो, प्रिंट जब ज़्यादा हम, कोमा क्या होता है कि सेपरेट करता है दो वैल्यूज़ को, सेपरेट करने के दो। If you use comma, output will be printed in columns. Columns में होता है ये, in QBasic the screen is divided into columns of 14 characters. The result computer, electronics or device. देखो ऊपर हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम में लिखा था प्रिंट, ये रहा प्रिंट कंप्यूटर डबल कोट इसमें, और फिर ये कॉमा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डिवाइस। अब ये देखो जब हमने रन कराया तो ये इन्हें ये आउटपुट दिया, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइस। सेमी कॉलन का क्या होता है कि ये कोई भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं ना, तो उसको बाद यूज़ करते हैं इसका। Using tab,
प्रिंट टेप का मतलब प्रिंट टेप 10, कंप्यूटर टेप इलेक्ट्रॉनिक्स टेप 14 डिवाइस. टेप इज़ यूज टू स्पेसिफाई कॉलम नंबर एट विच प्रिंटिंग ऑफ द आउटपुट इज डन. मतलब ये एक ये रन टाइम के अंदर होता है, ये एग्जीक्यूशन में, मतलब कि पीछे उसके कितना कॉलम नंबर यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है. उसके बाद ये है कि एक एंड स्टेटमेंट. एंड स्टेटमेंट इज यूज टर्मिनेट्स करने के लिए, यानी कैरिड आउट करने के लिए कोई भी प्रोग्राम. जब हमें कोई भी प्रोग्राम और कैरिड आउट करना होता है या टर्मिनेट करना होता है तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? एंड स्टेटमेंट. वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एंड का मीनिंग होता है कि हाँ भाई आर प्रोसेस इज डन या इज कंप्लीटेड, ठीक है, हो गया है, ठीक है, हैज़ डन. ओके, द एंड कमांड टेल्स द कंप्यूटर दैट प्रोग्राम इज ओवर एंड इट शुड ड्रॉप रीडिंग लाइन्स, ठीक है. द सिंटेक्स फॉर एंड, एंड के सिंपल हम एंड यूज़ करते हैं. अभी तो एक योर फर्स्ट प्रोग्राम दे रखा है. CLS ये क्लियर स्क्रीन करने के लिए, प्रिंट हेलो, यानी ये प्रिंट करेगा क्या, हेलो प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट क्यू बेसिक और एंड. तो जब तुम रन कराओगे प्रोग्राम, क्लिक ऑन रन यानी स्टार्ट और प्रेस F1 भी F5 भी आप यूज़ कर सकते हो. तो देखो आउटपुट क्या शो करेगा, हेलो, हेलो यूज़ करके उसके बाद लिखेगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम. बस ये दो प्रिंट का जो है ना ये ही बस शो करेगा. उसके बाद जैसे हमने कोई भी हमने प्रेस करी कोई भी की तो उसके बाद हमारा वापस से स्क्रीन पे उस पर आ जाएगा, ठीक है. इस तरह से ये देखो एक एग्जांपल दे रखा है और अच्छे से इसको समझ सकते हैं. क्लियर स्क्रीन, CLS प्रिंट यूज़ कोमा इन प्रिंट, प्रिंट जयपुर कोटा अजमेर, प्रिंट यूज़ सेमी कॉलन इन प्रिंट, प्रिंट जयपुर कोटा अजमेर, इस तरह से. तो ये जब आगे इसको रन कराएंगे तो ये सारे प्रिंट वाले सारे प्रिंट होंगे. उसके बाद है